पाकिस्तान विद ईस्ट पाकिस्तान एंड विदाउट ईस्ट पाकिस्तान. बाकी सारे इन लोगों के ये ढकोसले हैं, चौंचले हैं, शरारतें हैं, जुगते कह लें इनको. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए. From the Islamabad studios of Bo Network, it's time for Jamil Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. लॉन्ग मार्चेस के सीजन का एक और आगाज हुआ चाहता है. साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे कर रहे हैं और जलसों के दौरान पब्लिक को मोबिलाइज कर रहे हैं. ये कहा गया है कि 20 मई के बाद हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा. जबकि फवाद चौधरी साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर इत्तला'आत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि ये हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 20 मई तक की मेहमान है. तो 20 मई वो डेडलाइन है जिसके बाद ये तय होने जा रहा है कि मुल्क की सियासत का रुख क्या होगा. ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके लिए 20 मई का इंतज़ार किया जा रहा है? क्या ये बात तय हो चुकी है कि खास हलकों की जानिब से इस हुकूमत को कह दिया गया है कि आइंदा इंतखाबात का ऐलान किया जाए, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 मई को लेकर, या फिर प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स के जरिए ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि आप 20 मई तक ये करते हैं तो ठीक, अदरवाइज हम इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे जो कि दी जा चुकी है और एग्जैक्ट डेट भी दे देंगे. तो ये वो तमाम बातें हैं जिस पर बात करना बनती है. और ये भी बात करना बनती है कि रिजीम चेंज का हकीकत से दरअसल ताल्लुक है क्या? साजिश या मुदाखलत दो अल्फाज हैं, हमारी लुगत के अंदर इसके मानी क्या है, रियलिटी से इसका कितना ताल्लुक है और हम पाकिस्तानी इसको लेकर कितना सेंसिटिव हैं. इसके अलावा एक दूसरे को ताने मारने का रिवाज कब खत्म होगा, खासतौर पर जब आप रियासत सियासत एक दूसरे के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो फिर जब तक आप ताने देते रहेंगे तो हालात तो इसी तरह खराब होते रहेंगे. आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी. एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की. ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #regime change. मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट टुनाइट, रिजीम चेंज ऑन द डिबेट टुनाइट. आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं मुल्क के मारूफ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, सीनियर तज्जियाकार और नक्काद जनाब हसन निसार साहब. मैं मुल्क के नामवर तज्जियाकार, सीनियर सहाफी, कॉलम निगार, मुहक्किक, नक्काद जनाब हसन निसार साहब को इस वन ऑन वन नेशनल डिबेट में खुश आमदेद कहता हूँ. हसन निसार साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि गुज़िश्ता 6 हफ्तों में हम नया पाकिस्तान से डायरेक्ट पुराना पाकिस्तान में लैंड कर चुके हैं, वापसी का यह सफर आपको कैसा लगा है? आपके इनिशियल रिमार्क्स, काफी दिनों बाद शो हो रहा है हमारा आपके साथ. देखें मैं ये सारी फजूल बिल्कुल बांदर पटकियां हैं. पुराना पाकिस्तान था जिसमें ईस्ट पाकिस्तान शामिल था, जो आज बांग्लादेश बन के हमसे आगे निकल गया है. पर मेरे नजदीक तो यही नया और पुराना है. पुराना पाकिस्तान देखो, अगर काय ज़मीन पे आ जाएं कि दिलचस्प मफरूज आए हैं और वो आके कहें कि जी मैंने कराची भी कुछ दिन गुजारने और फिर ढाका गुजारने, लोग हैं जी ढाके वाले तो हमें छोड़ छाड़ के कब के जा चुके हैं. तो नया और पुराना तो यही है मेरे नज़दीक. पाकिस्तान विद ईस्ट पाकिस्तान एंड विदाउट ईस्ट पाकिस्तान. बाकी सारे इन लोगों के ये ढकोसले हैं, चौंचले हैं, शरारतें हैं, जुगते कह लें इनको. ये टीम्स जो हैं ये भांडों की टीम्स हैं. एक अभी अभी रिसेंटली किसी ने शेख रशीद की विक की लगाई जो उतार के ले आएगा 50,000. तो मैंने किसी प्रोग्राम में कहा है, मैंने कहा यार 50,000 तो अब 5,000 नहीं रह गया, तुम यहाँ भी कारोबार कर रहे हो. शेख रशीद की विग 50,000 में ले के तुम आगे 5,00,000 में बेच दोगे. लेकिन हसन निसार साहब, ये जुगतिये हैं, ये हसन निसार साहब, ये विग सिर्फ शेख रशीद साहब की तो नहीं है ना, फिर दूसरों ने
उधर से लगा के फिर चौरी निसार साहब की बात करना शुरू कर देनी है, तो यहाँ तो विगों वाली बड़ी सरकार है, बड़े बड़े लोग हैं। और आज तो एक ऐसे साहब हैं जो कहीं पर खिताब कर रहे थे तो उन्होंने टोपी बड़ी तिरछी पहनी हुई थी, तो ये तो मुल्क का अलमिया है, हमें तो इसी तरह के सियासतदान ही मिले हैं। बट हैविंग सेड दिस ऑल, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या रिजीम चेंज दर हकीकत कोई फिनोमेना है, ऐसा कोई फिनोमेना एग्जिस्ट करता है, या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज किया जा रहा है? हसन साहब, किस बात को? आई एम टॉकिंग अबाउट रिजीम चेंज जो आई है, रिजीम चेंज। जी जी, अच्छा, ये थोड़ा फार फेस्ट है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, देखें एक बड़ा पुराना मुहावरा है ये हमारी आपकी पैदाइशों से बहुत पहले का, कि गरीब की जोरो सबकी भाभी। मतलब माड़ा आदमी जो भी होगा ना, वो जिसके हाथ में खुजली होगी उसको एक आध ठाप रसीद करके निकल जाएगा। तो पाकिस्तान के साथ तो ड्रोन हमले, वो जो क्या उसामा बिन लादेन, ये अभी ईस्ट पाकिस्तान का मैंने जिक्र किया है, एक ऐसा मुल्क जिसकी इंतजामिया कह लो, सियासिया कह लो, वो स्टील में लिखा गई, यानी हैरत अंगेज बात है। अंग्रेज को गालियां तो बहुत देते हैं, हर शय उसकी दी हुई है वो भी खा गए, मसलन रेलवे, इरिगेशन सिस्टम, वो किस बला की चीजें देखे गए थे, ये तो वो भी नहीं संभाल सके। और फिर बातें करते हैं गुलामी जी और आज़ादी और फलाना, क्या गुलामी और क्या आज़ादी, ये सारे बिल्कुल एब्सोल्युटली जिसे कहते हैं ना, ये भांडों की टीमें हैं। अल्लाह खैर सला, जुगतों का मुकाबला जारी है। तो जिस तरह आपने फरमाया हसन सार साहब के ये स्टील मिल तक हमारी बेच कर खा गए, तो वो क्या इमरान खान ने बेची है या माजी वाले वो तमाम थे जो बेच के खा गए? अब दोबारा अगर इकतदार उन्हीं के पास आ गया है तो आपको इन सब सियासतदानों में, देखें हमें तो वी हैव टू चूज द लेसर इविल, इनमें से बेहतर कोई लगता है या सारे एक ही हमाम में हैं, सारे नंगे हैं? मैं आपको मुन्नू भाई एक बात किया करते थे सर, वो उन्होंने अपने कॉलम्स में भी बड़ी फेवरेट उनका था एक्सप्रेशन, वो आप सुने जी, नथा सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। नजर दोनों की वारदातियों की एक ही चीज पे होती है। नथा सिंह जो है वो जबरदस्ती, वो आप उसका जरा विलेन वाला स्टाइल होता है, चाहिए उसको भी हेरोइन होती है। और जो प्रेम सिंह हुंदा है वो गाने शाने गागू के ना अपना वो पठाने पटूने की कोशिश करता है, कुछ भी नहीं है। टू टेल यू ऑनेस्टली, मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मैंने इस मुल्क के बहुत अहम लोगों से ये बात की है कि भाई देखो, ये नॉन स्टॉप कम से कम 15 साल, हर तीन साल का एक बाकायदा, पहले 5 साल मंसूबा आता था, दुनिया बहुत तेज़ हो गई है, अब एक साल में एक सदी गुजर रही है, तो होश करो भाई, ये एक तीन साल मंसूबा, 5 मंसूबे, प्राइम मिनिस्टर एक नई नस्ल उठाओ, ये मेरे आपके बस का नहीं रह गया। ये जो लोग आए, अब तक मज का खेस बात है, नथिंग अगेंस्ट एनी बडी, यानी कल तक आप जेलें, पेशियां, वकील, हाजरियां, अदालतें, आज माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये इसी मुल्क में हो सकता था ना, ये बाप पहले एक भाई 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, ये मुल्क नहीं लगता ना, मतलब थोड़ी हंसी आती है। अब बाप प्राइम मिनिस्टर है, बेटा चीफ मिनिस्टर है, पता नहीं क्या है, सदारत के लिए किसी और को ले आए, तो ये मौकरी है, संजीदगी वाला कोई काम नहीं है, कोई असल इशू। अच्छा, आज कमाल की बात है, मैं आपको बताता हूँ आज की जी जी, ऊपर लंबी लिस्ट है कौन सी चीज कितनी महंगी हो गई, लंबी, नीचे ये जो मरियम औरंगजेब है इसका बयान है कि हमने महंगाई कम कर दी है। ये आज की अखबार उठा के देख, जी मैंने देखा, मुर्गी से लेके पता नहीं किस किस चीज तक का वो कई कई परसेंट उसमें कीमतों में इजाफा हो गया है, नीचे बयान है, कोई
विग के लिए इनाम, पहले सरों पे इनाम होते थे, विगों पे इनाम है, अंदाजा लगाएं आप। सो इट इज अ नॉन सीरियस, ये एक बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ ना, मौकरी, ये एक बहुत बड़ा मजाक चल रहा है। इस मुल्क के असल इश्यूज के साथ किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। कभी किसी के मुंह से आपने सुना कि इस मुल्क का पे जो अजाब मंडला रहा है, कच्चे धागे से बंधी हुई तलवार इस मुल्क की गर्दन पे है, वो क्या है जी? पॉपुलेशन। माल्थस की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, खड़े रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो 22-24 करोड़ तो तुमसे संभाला नहीं जा रहा, थोड़ा इस पे काम करो, 10 मिनट में आपको हिसाब लग जाएगा कि पॉपुलेशन जहां ग्रो करती है वहां कैसे करती है और 10 साल बाद ये कहां होंगे। और यहां तो लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, जो काम शुरू हो चुका है। निजाम बदतरीन, मकरूह तरीन निजाम, सब कुछ सामने हो रहा है। क्वेटा में एक बंदा है, पुलिस कांस्टेबल को रौंद के गुजर जाता है, एक और था वो निकला पता नहीं कौन कराची का, जिसके बेसमेंट से पता नहीं अरबों करोड़ों रुपया निकला, फिर को सेक्रेटरी था को बलोचिस्तान का, उसका सारा क्या बना, किधर गया? ये एफेड्रीन का मुझे आज तक नहीं पता को फैसला हुआ है नहीं हुआ, हुआ है तो क्या हुआ है पता नहीं, आई डोंट नो। इस तरह रेडी नहीं चलती, जिस तरह ये इतना डिफिकल्ट मुल्क चलाने की को चलाने की क्या कारण, रेड इंडियंस भी जिंदा है, मोरलस यही सूरत हाल है प्रैक्टिकली, और मतलब है क्या? हम बड़े बड़े लफ्जों में संजीदा, नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, और केड़ा पाकिस्तान? आप तो ये भी सोचने को तैयार नहीं हो कि आपके तो नाम में कॉन्ट्रडिक्शन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब इस्लाम कितना मौजूद है, वो एक जज साहब ने पिछले दिनों कहा, अल्लाह उनका भला करे। आगे लफ्ज क्या है? इस्लाम की मुकम्मल कॉन्ट्रडिक्शन। जमहूरिया क्या है? वेस्टर्न डेमोक्रेसी, राइट। आगे क्या है? पाकिस्तान। ना नजरें पाक हैं, अभी आज ही आज के अखबारों में है, कल की खबर है, आज के अखबारों में है, किसी पता नहीं बच्ची को कब्र से निकाल के, यार खौफे खुदा करो किधर फिर रहे हो, यहाँ ना खुराक खालिस है, ना निज़ाम खालिस है, ना लोग खालिस हैं, और एक अजीबो गरीब मौजों का भरा हुआ मुल्क है। कैसा कैसा बंदा है वो लीडरशिप क्लेम कर रहा है, और हर बंदे को अपने हिस्से के बेवकूफ मिल भी जाते हैं, तो चल रहा है सिलसिला। हासिम साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए था एज ए प्राइम मिनिस्टर? और फिर इससे कनेक्टेड सवाल ये भी है, 100% 75 साल में 100% सर मेरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा, एक तो खान साहब वाला, दूसरा 75 साल में हमें, यानी इस मुल्क को, यानी मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को, जिसमें जिसके नाम में भी आपके मुताबिक कॉन्ट्रडिक्शन है, 75 साल में एक शख्स भी ऐसा नहीं मिला जो 5 साल पूरे कर पाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर? हसन साहब, मैंने अभी क्या बात की है भाई मेरे, कि ना निजाम खालिस है ना आपका नाम खालिस है, और अपनी नंगी चिट्टी कॉन्ट्रडिक्शंस पे आप गौर करने को भी तैयार? अच्छा, एक बार बड़ी दिलचस्प बात है सर, एज अ मुस्लिम आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अच्छे बुरे जैसे भी हैं मुसलमान तो हैं सर, ये नमाज रोज़ा हज ज़कात की बात करता है, कभी किसी ने बात, कभी किसी आलम शालम सो कॉल्ड आलम है, ये आलम तो हो ही नहीं सकता इंसान, ये उनका हुक्म तो ये भी है इल्म हासिल करो, अच्छा उनका हुक्म ये भी है इल्म मोमिन की कोई भी मीरास है, और तुम्हारी तो तुम तो ना 3 में रह गए ना 13 में रह गए। ये बड़ा खूबसूरत मैंने पिछले दिनों पढ़ा है किसी का, कि हूएवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड, राइट। ये पबजी शबजी ये क्या है, ये इंस्टाग्राम और फलाने टमकाने व्हाट्सएप, ये किन की मलकियत है? आप देखो, अभी इमरान ने पिछले दिनों बात की कि यौमे आज़ादी या पता नहीं आज़ादी मनाएंगे तो गुलामी के खिलाफ, वो क्या, वी आर बॉर्न स्लेव्स, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई बड़ा मर्द मुजाहिद टीपू सुल्तान आ जाए ना आज़ादी शादाती। जिन लोगों ने ये दुनिया काफ की है ना मेरे भाई, वही इसको कंट्रोल भी करेंगे, और ये कॉमन सेंस की बात है। आपके तो पल्ले कुछ है ही नहीं, ना कोई इल्म की प्रायोरिटी है, ना कोई साइंस है, ना टेक्नोलॉजी, फजूल किस्म की बातों के इश्यूज बना के उन पे
डिबेट्स होती रहती हैं, ये करना है वो नहीं करना है, लघु तरीन बातें जिनका अमली जिंदगी से दूर तक कोई तल। हसन निसार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।